अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक है एडवर्टाइजिंग अपील्स। एडवर्टाइजिंग अपील्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग के हवाले से। जब भी कोई भी मार्केट लीडर, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कंटेंट क्रिएट करती है, अपना मैसेज क्रिएट करती है, अपना स्क्रिप्ट क्रिएट करती है, तो अपीलिंग के लिए ज़रूर सोचती है कि अपीलिंग किस तरह होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपकी टीजी होगी उस तरह आपकी अपीलिंग होगी। ठीक है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसका बिहेवियर कैसा है, उनका टेस्ट क्या है, उनकी साइकी क्या है, ठीक है, ये चीज़ें एनालाइज करने के बाद आप उनको टारगेट करते हैं। यू ऑलवेज ट्राई टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ योर कंज्यूमर्स टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट और टूवर्ड्स योर सर्विसेज। तो अपीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पूरी दुनिया में बहुत सारी अपीलिंग्स इस्तेमाल की जाती है एडवर्टाइजिंग के हवाले से। पाकिस्तान में मोस्टली 4 अपील्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं, ह्यूमर अपील, इमोशनल अपील, जेंडर अपील और फियर अपील। तो इन 4 अपील्स को हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ह्यूमर अपील आती है। ह्यूमर अपील्स के अंदर बेसिकली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंटेंट जब आप क्रिएट करते हैं, यू ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट रीज़न फॉर योर टारगेट ऑडियंस टू परचेज योर प्रोडक्ट और टू अवेल योर सर्विसेज। तो ह्यूमर अपील्स की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा पाकिस्तानी कंपनीज़ बहुत सारी ऐसी हैं जो कि ह्यूमर अपील्स को इस्तेमाल करती हैं, जिसके अंदर फ़नी मैसेजेस होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर शामिल होता है। लाइक इसकी आपको मिसाल मैं दूँ, यूफोन आप देख लें, वहाँ पर उनकी जो है ज़्यादातर जो कैंपेन्स होती हैं वो ह्यूमर अपील्स पे जो है मुश्तमिल होती हैं। इसके अलावा इमोशनल अपील्स हैं। इमोशनल अपील्स के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं पाकिस्तानी जो कि काम कर रही हैं। लाइक इसमें माँ और जो है बेटे का रिश्ता होता है। लाइक पैंपर्स की आप कैंपेन देख लें, कोई भी पैंपर्स की कैंपेन उठा के देख लें, और बेटी और बाप का रिश्ता देख लें, डायमंड्स की मल्टीफॉर्म की आप कैंपेन्स देख लें, उसमें एक इमोशनल अपील है। और भी बहुत सारी अपील्स होती हैं, कल्चरल अपील्स होती हैं जिसमें आप कल्चर को दिखाया जाता है। और इसके अलावा फियर अपील है। अच्छा, फियर अपील बेसिकली जो है हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर और ब्यूटी कॉस्मेटिक्स वगैरह इस तरह की कैंपेन्स के अंदर इस्तेमाल होती है फियर अपील। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2 तरह की अपील्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम फियर अपील की बात करते हैं तो फियर अपील इज़ इस नेगेटिव अपील, लेकिन इसमें यह है कि कुछ अनसार्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आप विलिंग नहीं होते परचेस करने के लिए, लेकिन फिर भी इसके अंदर आप उसको जो है एडवर्टाइज करते हैं। लाइक अगर इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, सिगरेट्स हैं, देखें ये इसमें फियर अपील्स जो है की जाती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर फियर अपील होती है। इसके अलावा एक जेंडर अपील है। जेंडर अपील्स के अंदर क्लॉथिंग है, ब्यूटी है, मेकअप का सामान है, इसमें जो है जेंडर अपील यूज़ होती है। लाइक उसमें मेल का किरदार है, फीमेल का किरदार है। तो बहुत सारी अपील्स हैं एडवर्टाइजिंग के हवाले से जो कि पाकिस्तानी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं टू इन्फ्लुएंस देयर टारगेट ऑडियंस। दे बेसिकली दीज कंपनीज ट्राई टू चेंज द द इंटेंशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस टूवर्ड्स द परचेजिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, क्योंकि वो क्रिएट करते हैं कुछ नयापन, कुछ नया लेकर आते हैं मार्केट में, कुछ इस तरह ब्रांड पोजिशनिंग करते हैं कि वो अट्रैक्ट हों और वो कन्वेंस हों और वो परचेजिंग करें उस कंपनी की प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट अपीलिंग थी जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तानी मार्केट में, मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।